कुशवाहा के बयान पर भारतीय जनता पार्टी का रिएक्ट करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों में कितनी तलखियां हैं। हालांकि इस तलखी को आप जदयू से जोड़कर देख सकते हैं। आज ही हमने आपको खबर दिखाया था कि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लास्ट वार्निंग देते हुए कहा था कि नीतीश कुमार के विरुद्ध बोलना बंद करें, और नीतीश कुमार हैं तो एनडीए है, वरना एनडीए खत्म। इस बात को लेकर के लगातार चर्चा भी हो रही थी, राजनीतिक गलियारे से लेकर के मीडिया जगत में भी इस बात को काफ़ी तरजीह दी गई, और लगभग सभी ने उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को कोट किया, जिसमें उन्होंने साफ तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इशारों में क्या खुलेआम कह दिया था कि नीतीश को नेता मानना होगा, और अगर नीतीश को नेता मानते हैं तभी एनडीए में सब कुछ ठीक रहेगा, वरना सब कुछ खत्म। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि किस तरह से दोनों के बीच में तलखियां हैं, और इन बयानों से ये बातें साफ नज़र आती हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी पता है कि ये बयान तब आया है जब राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पटना आने वाली हैं और नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होनी है। इसके ठीक पहले ये भी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। इससे ठीक पहले धर्मेंद्र प्रधान आए थे और उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात किया था, उसके बाद से नीतीश चुप्पी साधे हुए हैं। हालाँकि एक तरफ जहाँ नीतीश चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने नेताओं को कहीं ना कहीं समझिए कि मुंह पर टेप चिपका दिया है और कोई बोलना नहीं चाह रहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने फिर अपनी बात को रखते हुए जिस तरह से अपनी बातें कही है, नीतीश इज़ एनडीए और एनडीए इज़ नीतीश, इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने एक चेतावनी दी है। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अब इससे ज़्यादा चुप्पी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी बयान आ गया है। आपको बता दें कि चुप्पी तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हमने तो बहुत कुछ किया, हमने साफ तौर पे नीतीश कुमार को नेता बना करके कम सीट के बावजूद, जो कि उसकी इशारों में भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि नीतीश कुमार को नेता बनाया और नेता सदन वही हैं, उनके अगुवाई में हम विकास के नए नए आयाम लिख रहे हैं, किसी को कोई गलत फहमी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया, ये बहुत खुशी की बात है, और कहीं ना कहीं हम इस बात के लिए उन्हें बधाई देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में एनडीए मतलब नीतीश और नीतीश का मतलब एनडीए होता है, जब तक नीतीश कुमार हैं तभी तक एनडीए है, बिना नीतीश कुमार के एनडीए का कोई मतलब नहीं है। अगर इस मामले में किसी को कोई गलतफहमी है तो वह गलतफहमी न पालें। इसके जवाब में अरविंद कुमार ने एक बयान जारी करते हुए जो बातें कही हैं वो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा के लिए ही कही हैं, और साफ तरीके से ये झलक रहा है कि कितनी भीतर तलखियां भरी हुई हैं। भले ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लगाम लगा दिया हो, लेकिन गुस्सा अभी जारी है। सुनिए क्या कहा है अरविंद कुमार ने। हम तो पूरे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार में हम चुनाव लड़े हैं, और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में विकास का झंडा गाड़े हुए हैं, और हम नीतीश कुमार जी को अपना मुख्यमंत्री मान करके, नेता मान करके हम चुनाव भी लड़े और उनको ही अपना नेता घोषित किए हुए हैं। मैं बधाई देता हूं उपेंद्र कुशवाहा जी को कि उन्होंने भी उन नेता मान लिया कि एनडीए के एकमात्र चेहरा, एकमात्र नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को नेता मानने के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।